वेलकम बच्चों, ये मेथड किसी बुक में नहीं मिलेगा और हाँ बहुत ज़्यादा आसान है। पता है क्यों? ये मेरे खुद का बनाया हुआ है। चलो भैया पूरा क्लियर कर देंगे। सर प्रूफ कैसे करना है? और हाँ ये मैं अब भी कह रहा हूँ किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत आसान है, मज़ा बहुत आने वाला है आज। कर दे प्रूफ सर। पाइथागोरस में देखो लास्ट में यही आना है, आप बच्चे कुछ बच्चे 7th क्लास से कुछ बच्चे 8th क्लास से पढ़ ही रहे हो तो भैया चलो देखो। सर एक ट्रायंगल है ठीक, उसका एरिया मैं किसी भी मेथड से निकाल लूँ एरिया तो नहीं बदलेगा। जितना लेट से मैं कह रहा हूँ ये है 20 स्क्वायर यूनिट, वही का वही रहेगा ना, एरिया नहीं बदलेगा। तो सर मेथड अलग अलग हो सकते हैं, मैं क्या करूँगा देखो, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ओके ये आ गया एरिया। सर आपने हिरॉन्स फार्मूला भी तो पढ़ रखा है, तो प्यारे बच्चों लगा दूं हिरॉन्स फार्मूला। देखो भूल गया कोई तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता था? सेमी पेरीमीटर। अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली बी प्लस पी प्लस का एच होल डिवाइड बाई टू। तो सर देखो मैं अब भी कह रहा हूँ मेथड कोई भी हो एरिया नहीं बदलेगा, इसका मतलब सर बी पी बाय टू ये जो ऊपर वाली वैल्यू है मेरी, इसको चलो इसको अभी मैं मिटो नहीं रहा, इसके बराबर में यही एरिया आना चाहिए। कौन सा? बी पी प्लस एच होल डिवाइड बाय टू। बी है तो यहाँ पी लिख देते हैं माइनस का पी। अब सर देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ना तो देखो स्क्वायर इस रूट को काट डालेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या सर, देखो मैं मेहनत से बहुत बचता हूँ, मैं ना यहीं पर एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ सर जी। ये हो जाएगा माइनस का 2h, ऑब्वियसली सिमिलरली माइनस का 2b एलसीएम ले रहा हूँ भैया मैं, और ये हो जाएगा सर माइनस का 2p। ठीक है, अब सर ये हो जाएगा देखो बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 4, 2 दुगनी 4 दुगनी 8 दुगनी 16, 1/16 बी प्लस पी प्लस का एच। बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो बी प्लस पी माइनस एच दिखाई देगा आपको, क्योंकि देख लो भैया ये माइनस एच हो जाएगा। बी सॉरी बच्चों पी प्लस एच माइनस बी, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका h प्लस b माइनस का p। इसको ना मैं जानबूझ के थोड़ा उल्टा लिखना चाहता हूँ। देखो p प्लस h को ना मैं लिखूंगा h प्लस p, अभी आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों। देखो भैया आप इसको कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन आपकी हमेशा सही जाएगी इसमें, लेकिन देखो मैं चाहता हूँ थोड़े शॉर्टकट लगा दूं। और ये p है भैया, ये दिख नहीं रहा ढंग से। ये लो देखो 4 एकम 4 4 चौके 16। अब पता है बच्चों ध्यान से देखोगे ना, देखो बी प्लस पी प्लस एच माइनस एच, तो अगर सर मैं इसको एक सिंगल टर्म मान लूं तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा ऑब्वियसली, तो सर ये बन जाएगा बी प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। सर अब यहां पर देखो, देखो एच पी माइनस बी, और ध्यान से देखना अगर मैं इसको एक सिंगल टर्म मानता हूं, अब देखो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर ना मेरा मन है, सबको पता है बच्चों माइनस माइनस प्लस ही होता है, अगर मैं एक माइनस इधर ले लूं एक माइनस इधर ले लूं तो प्लस ही होगा ना। तो सर मैंने क्या किया ना, ध्यान से देखना भैया, देखो बी माइनस पी है तो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं पी माइनस बी, माइनस अगर मैं बाहर ले लूं, अब बच्चा समझ गया सर कहना क्या चाहते हैं, तो मैं बस वही कर रहा हूं सर। मैंने देखो माइनस ले लिया बाहर, पी माइनस बी बना दिया ये, और ये एक ब्रैकेट में कर दिया क्लोज, बच्चों को शायद ब्रैकेट ना दिखे, ये ना ऐसी लार्ज वाली ब्रैकेट बना देता हूँ तब आप बच्चों को ना आसानी रहेगी। और बीच बीच में ना बच्चों मैं वीडियो की स्पीड बढ़ाता रहूंगा ताकि तुम बच्चों का टाइम बिल्कुल बचा रहे। ठीक अब देखो सर ये भी वैसे ही बन रहा है, देखो एच स्क्वायर माइनस अब पी माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब भैया देखो मैं एक जुगाड़ लगाना चाहता हूं, अगर मैं
इन दोनों में से कहीं से भी एक माइनस कॉमन ले लूँ ना तो मेरे को काफ़ी कुछ एक मज़ेदार चीज़ मिल सकती है। तो देखो भैया, मैंने एक काम करूँ, पहले इसको खोल दूँ, तो खोल देता हूँ, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। बी स्क्वायर डैश लग गया है गलती से, प्लस का पी स्क्वायर प्लस का टू बी पी, बी स्क्वायर पी स्क्वायर टू बी पी, माइनस का एच स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब बच्चों देखो, माइनस का टू बी पी है ना, जो एक माइनस बाहर भी है तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखोगे ना सर, देखो जैसे ही आप ये माइनस एक बाहर ले लिया, देखो भैया मैंने एक माइनस इस वाली ब्रैकेट से एक बाहर ले लिया, अब देखो ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब सर अगर आप नोटिस करते हो, देखो H प्लस का B और P माइनस माइनस के, ये भी माइनस माइनस के, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसका मतलब सर आप इसको ऐसे लिख दो माइनस का 1/4। यहां शायद बच्चों को दिखेगा नहीं, हाँ मेरे को पता है नहीं दिखेगा। अब सर देख लो, अभी तक हम यहां पर हैं, बी स्क्वायर पी स्क्वायर है, ठीक है। और हाँ भैया अच्छा सा कमेंट कर देना, दिल खुश हो जाएगा सर का, और क्या है। अब सर देखो, बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस का 1/4। सर मैंने क्या करा ना, अगेन मैंने इस पूरे को एक सिंगल यूनिट माना है, यूनिट का मतलब वन मत समझ लेना, मतलब कि एक सिंगल टर्म बोले तो ये वाली। काफ़ी बच्चे ना साइलेंट वर्ड को समझ नहीं पाते, इसलिए मैं लिख देता हूँ, खैर उनकी गलती नहीं है। देखो भैया इंग्लिश में मेरा हाथ बहुत टाइट था, तो सर ध्यान से देखोगे ना, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अब b वो वाला bp वाला नहीं, मतलब कि ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, वही लगाऊंगा मैं। अगेन बच्चे कहेंगे सर आपने बहुत लगाया है ये, मैं क्या करूं भैया, लगाया है। तो सर ध्यान से देखना आप, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस टू बी पी पूरे का होल स्क्वायर। अब सर देखो मैं क्या करूंगा ना, माइनस 1/4 को उधर ले जाता हूं, तो ये माइनस का 4 आ गया, इसको हटाओ, माइनस का 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर पी स्क्वायर। सर एक बात बताओ मेरे को, पता है कौन सी वाली, ध्यान से देखोगे ना सर, माइनस का 4 ये दोनों तरफ सेम है, कट गया, इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 0 की रूट कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 0, ऑब्वियसली सर 0, इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 0 बोले तो 0। ओके सर अब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है क्लैरिटी आ रही है। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दोनों उधर ले जाऊंगा, प्लस के हो जाएंगे, प्लस का मतलब वही, ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, प्लस में सर कोई भी फर्क आता नहीं है, था ना बहुत आसान। और हाँ पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।